नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय जैन, साइकियाट्रिस्ट, जैन न्यूरो साइकियाट्रिक एंड डी एडिक्शन क्लिनिक जयपुर में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो आज के समय में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। कोई भी इंसान अगर थोड़ी प्रॉब्लम में हो, उसकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस चल रहा हो या उसका मूड ऑफ हो, तो लोग उसे बोलते हैं कि ये डिप्रेशन में चल रहा है, या वो खुद अपने आप को ऐसे बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। क्या यही डिप्रेशन है? नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है। ये हमारे मूड की एक फेज़ है जो टेम्प्ररी है। किसी भी इंसान का दुख में दुखी होना या किसी प्रॉब्लम के समय में परेशान होना डिप्रेशन नहीं होता है, वो हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो डिप्रेशन क्या है? दोस्तों, डिप्रेशन एक साइकियाट्रिक इलनेस है और उसको इजीली नहीं लिया जा सकता। अगर कोई इंसान डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। उसकी पर्सनल लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाता है, उसकी सोशल लाइफ वो भी अफेक्टेड होती है, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, उसके रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाते हैं, और उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ उस पर भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है। कुल मिला के अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है तो उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। दोस्तों, आज मैं आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप उसे आसानी से पहचान सकें, और अगर कोई आपके आसपास में डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो आप उसकी मदद कर सकें। चलो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये होता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार बने रहने चाहिए, तभी हम उसको डिप्रेशन एज ए इलनेस मानते हैं। डिप्रेशन के 10 सिम्टम्स होते हैं, उन 10 में से कम 4 सिम्टम्स प्रेजेंट रहें तभी हम उसको डिप्रेशन एज ए इलनेस डायग्नोसिस करते हैं। तो इनके सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ। पहला सिम्टम जो कि सबसे कॉमन है वो है लो मूड, मतलब उदास रहना। कोई इंसान बिना किसी कारण के या फिर किसी कारण की वजह से भी उदास रहता है, और वो उदासी दिन भर बनी ही रहती है ज़्यादातर समय के लिए, तो वो सिम्टम जो है वो कहलाता है लो मूड। दूसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। इसका मतलब यह है कि किसी इंसान का इंटरेस्ट जो है वो चला गया है उन सब चीज़ों के लिए जिनमें पहले उसको मज़ा आया करता था। उदाहरण के लिए, किसी को अगर टीवी देखना अच्छा लगता था, किसी को मूवी में देखना अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, या किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अब वो सब चीज़ें उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो सिम्टम है वो डिप्रेशन के सिम्टम है। तीसरा, लो एनर्जी, मतलब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसका शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, वो एनर्जी लेस हो गया है, वो टायर्ड फील करता है, बिना किसी कारण के उसका शरीर में दर्द रहता है, उसको थकान महसूस होती है, और छोटे से छोटा काम करने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो ये डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। चौथा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम। डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कुछ भी कर रहा होता उसमें उसका ध्यान नहीं रहता, उसकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, उसकी सोच आगे नहीं बढ़ती है, बहुत ही स्लो हो जाती है, और उसकी वजह से वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, और याद करता है तो बहुत जल्दी भूल जाता है। पांचवा सिम्टम जो है डिप्रेशन का वो है डिस्टर्ब स्लीप, मतलब नींद की कमी या अधिकता, ये दोनों चीज़ पॉसिबल है। छठा,
डिस्टर्ब एपिटाइट, मतलब इंसान को जो खाने में मज़ा पहले आया करता था वो आना बंद हो जाता है, या कुछ लोग खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। ये दोनों चीज़ पॉसिबल है। सातवां, लो सेल्फ एस्टीम, मतलब उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, उसको लगता है वो किसी भी काम के लायक नहीं रहा, उसकी एबिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाती है, उसका खुद के अंदर से फेथ ख़त्म हो जाता है, और उसको वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है कि वो किसी लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है। आठवां, होपलेसनेस, पेसिमिस्टिक थॉट्स अबाउट द फ्यूचर, उसको लगता है कि उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, आगे सब कुछ खराब ही खराब होने वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। नौवा, सुसाइडल थॉट्स, मरने के ख्याल आना, उसको लगता है कि उसके जीवन का मकसद ही ख़त्म हो गया है, वो जी के क्या करेगा, इससे बढ़िया तो मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है, वो उसको लेकर वो बार बार मरने के बारे में सोचता है, और एक्सट्रीम कंडीशन में वो मरने की प्लानिंग भी करने लग जाता है कि किस तरीके से मरा जाए। और दसवां सिम्टम जो है वो है एक्सेसिव गिल्ट, दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट, बिना किसी कारण से खुद को दोष देना, हर समस्या का दोषी खुद को ठहराना। दोस्तों, ये 10 सिम्टम्स डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। इन 10 में से 4 सिम्टम्स अगर किसी को प्रेजेंट है, जो इनिशियल 3 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सेसिव टायर्डनेस, इन 3 में से 2 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है, और बाकी इस बचे हुए सिम्टम्स में से 2 और सिम्टम्स अगर किसी को है तो वो डिप्रेशन से ग्रसित है। अगर ऐसा कोई भी इंसान आपके आसपास में है जिसमें ये सब सिम्टम्स है, तो इमिजिएटली उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल बीमारी है, वो आसानी से ट्रीट की जा सकती है। डिप्रेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि साइकियाट्रिक इलनेस है, लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ सेलिब्रिटीज़ आगे आके बता रहे हैं लोगों को कि वो डिप्रेशन में थे और बड़ी आसानी से वो बाहर निकल आए और अपनी लाइफ को वापस से पटरी पर ले आए। इनके बाद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो आगे से चल के हमारे पास आ रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट और इसके कारणों के बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा।